नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फगवाड़ा जालंधर जीटी रोड पर चंडीगढ़ बाईपास मेहटा के नजदीक एक सड़क हादसे में दो नौजवानों की हुई मौत, एक आश्रम के थे सेवादार। फगवाड़ा शुगर मिल के सामने आर्मी का एक ट्रक तकनीकी खराबी होने के कारण अनियंत्रित होकर धरना स्थल में घुसा, बाल बाल बचे किसान। फिरोजपुर की जय मां नगर कॉलोनी में एक ही रात में चोरों ने तीन घरों को बनाया निशाना, लाखों रुपयों की नकदी व गहने चोरी कर हुए फरार। और अब हलचल विस्तार से। फगवाड़ा जालंधर जीटी रोड चंडीगढ़ बाईपास मेहटा के नजदीक एक सड़क हादसे में दो नौजवानों की दर्दनाक मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मृतक नौजवानों की पहचान गुरविंदर सिंह और जसविंदर सिंह के रूप में हुई है और दोनों ही नौजवान एक आश्रम के सेवादार बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार दोनों नौजवान अपनी कार में सवार होकर चंडीगढ़ बाईपास की तरफ आ रहे थे कि सड़क के बीचों बीच खड़े ट्रक से उनकी जबरदस्त टक्कर हो गई, जिस कारण दोनों नौजवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस 108 की मदद से फगवाड़ा के सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही आश्रम के मुख्य सेवादार मुख्तियार सिंह मौके पर पहुंचे, जिन्होंने दोनों नौजवानों की आश्रम के सेवादारों के तौर पर पहचान की। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना सदर के प्रभारी मौके पर पहुंचे और ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आश्रम तो गए ने, वही दर्शन जा रहे भी आश्रम गए भी, रोटी खा के आने, बाकी सानू कुछ नहीं पता नहीं लगता, ही पता लगे एक्सीडेंट हो गया। दोनों आश्रम में रहते थे, एक आश्रम का क्लर्क का काम करता है, एक इलेक्ट्रीशियन सी, एक जना क्लर्क का नाम था जसविंदर सिंह है। हाँ जी, तो इलेक्ट्रीशियन नाम सोनू है। कितने दे रहने वाले ये? ये तो जरा जसविंदर सिंह ये तो इतने रहा शुरू तो आश्रम से, सोनू भी थोड़ा टाइम पहले इतने रहा आश्रम जो भी दोनों इतने रेंदे थे। दोनों आश्रम जसविंदर सिंह शुरू तो पाले आश्रम ने, माँ पे है। हाँ जी, न्यूली मैरिज से जी, फिर 6 महीने हुए मैरिज हुई न्यूली। किन्ने बजे पता लगा सर? मैं सब तो जी लगभग 1:30-2 पता लगे जी, पुलिस वाले ने दसा आश्रम जाके। एक ड्राइवर ने आपका ट्रक रोंग पार्क कर दिता, तो वो गड्डी पिछों आके बची है। दो मुंडे से गड्डी करोला गड्डी सी, इतने एक नेत्रहीन आश्रम है सपरोल, उत्थे सेवा करते, गड्डी चला रहा से एक मुंडा एक नाल बैठा से, वो मौके पर उन्होंने इंजरी के नाल डैथ हो गई। हाँ जी, एक का नाम पता लगा जी जसविंदर है, तो एक का नाम गुरविंदर। फगवाड़ा में शुगर मिल के सामने हाईवे पर किसानों ने धरना लगाया हुआ है। गत दिवस सेना का एक ट्रक तकनीकी खराबी के कारण अनियंत्रित होकर धरना स्थल में जा घुसा। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है, तो वहीं धरना स्थल पर बैठे किसान बाल बाल बच गए। किसानों का बचाव बाहर खड़ी ट्रॉलियों और पुलिस के लगे बैरिकेड्स के कारण हुआ। किसानों ने शुगर मिल के सामने हाईवे पर ट्रैफिक पुलिस चौकी के पास ये धरना लगा रखा है और हाईवे को बंद किया हुआ है। लुधियाना से आने वाले वाहन शुगर मिल की तरफ बनी सर्विस लेन से होकर दोबारा फिर हाईवे पर जाते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जिस चौक पर वाहन सर्विस लेन पर मुड़ते हैं, वहीं पर सेना का ट्रक मुड़ने लगा, तो उसकी कटाई तो हो गई लेकिन इसके बाद स्टेयरिंग लॉक हो गया। स्टेयरिंग लॉक होने के कारण सेना का ट्रक सीधा धरना स्थल की तरफ ही मुड़ गया। पहले ट्रक चौकी पर धरना स्थल के पास खड़े वाटर कैनन वाहन से टकराया, इसके बाद बाहर खड़ी ट्रालियों से जा टकराया। इस दौरान ट्रक की स्पीड नियंत्रण में आ गई और ट्रक धरना स्थल पर पुलिस के लगे बैरिकेड्स के साथ टकरा कर रुक गया। हादसे के बाद ट्रक में सवार सेना के सूबेदार ने तुरंत प्रभाव से अपने मैकेनिकल विंग और उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद जालंधर कैंट से सेना के अधिकारी मैकेनिकों को लेकर मौके पर पहुंचे और ट्रक को टो कर साथ ले गए। इस हादसे में पंजाब पुलिस के वाटर कैनन वाहन को नुकसान पहुंचा है। फगवाड़ा से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम मनदीप सिंह जी, मैं फायर ब्रिगेड का मुलाजम हाँ। मैं इतने मौके पर सगा, ये मिलटरी की गड्डी आई है जी, तो ये पता लगा की होया, वो सीधी आ गई है, आ के बैरीकेड तोड़ती हुई अगे ट्राली चा के अगे जाके रुक गए। सारे ब्रेक फेल हो गई या गेयर फस गया कोई? नहीं पता लगा जी की होया जी।
ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਆ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਚਾਅ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਹੀ ਟੁੱਟੇ ਬਸ। ਸਾਡੀ ਫਾਇਰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪੁਰਵਾੜਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ? ਮਾਮਲਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੋਈ, ਟਰੱਕ ਦਾ ਤੇ ਕੋਲਾ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਵੜ ਗਈ, ਟਰੱਕ ਦੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੋ ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ। फिरोजपुर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसके चलते फिरोजपुर छावनी के बस स्टैंड के नज़दीक जय मां नगर कॉलोनी में एक ही रात में चोरों ने तीन घरों को निशाना बनाकर लाखों रुपए की नकदी और गहने चोरी कर लिए, जिस कारण कॉलोनी निवासियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस संबंध में जानकारी देते हुए कॉलोनी कमेटी के प्रधान नितिन, कॉलोनी निवासी केशव और पुलकित ने बताया कि वे रात को घर के सभी सदस्य एक कमरे में एसी चलाकर सो रहे थे। जब सुबह उन्होंने उठकर देखा तो उनके घर के अलमारियों के ताले टूटे हुए थे और सारा सामान बिखरा हुआ था। वहीं कॉलोनी निवासी नितिन ने बताया कि उनकी कॉलोनी में कुछ अज्ञात व्यक्ति किराए पर रह रहे हैं और वे सारी रात कॉलोनी में घूमते रहते हैं। यहां पर कोई भी पीसीआर कर्मचारी चक्कर नहीं लगाते। पिछले एक महीने में 12 चोरियां हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। इसलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि चोरों पर जल्द से जल्द नकेल कसी जाए। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। पूरे 5 बजे तो लैके 5:30 बजे का टाइम है ना, 5:30 बजे मैं उठ के वॉशरूम ली गई तो मैं देखा कि घर दिया बारियां अलमारियां सब कुछ खुलियां हुई हैं, तो समान सारा बिखरिया हुआ है। तो मैं उठ के अपने घरदियों नूं जोर जोर दी रौला पाया, तो मैं कहा कि मेरे घर चोरी हो गई, असी चोरी का रौला पाया, तो चीकां मारनियां शुरू कर दित्तियां। जदों असी उठ के देखा कि साडा की गया, तो उहदे विच साडा घट्टो घट्ट भी 2 लाख तो उपर साडा नकदी गया, साडा समान साडे कागज़ पत्तर सब इदां ही बिखरे हुए सीगे। फिर असी इधर उधर जाके देखा कि साडा होर की समान है, असी उपर छत ते भी गए, तो जदों छत ते असी देखा तो साडा जिहड़ी गोल्ड दीआं डब्बियां हुंदियां उह सारियां बिखरियां पईआं सी। एक्चुअली जदों विच चोर नूं लग्गिया होएगा कि शायद उहदे विच गोल्ड दे कड़े, पर उहदे विच अरमानी दी वॉच सीगी जिहड़ी कि उह तोड़ के चला गया, ते इस करके उहनूं वी खुद नूं नहीं पता सीगा। उह सारा कुछ असीं समेटिआ, फिर असीं पुलिस नूं वी बुलाया, असीं अपने कलोनी दे मैंबर जी हैगे आ नितिन भैया, मैं उहनां नूं कॉल कीती। जदों उहनां नूं कॉल कीती ते फिर उहनां ने पुलिस वाले नूं फोन कीता। स्टडी वीज़ा पर कैनेडा गए जालंधर के एक युवा छात्र अपरंपर सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। अपरंपर सिंह के निधन की खबर सुनते ही परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक तो बेटे से बिछुड़ना माँ बाप के लिए दुखदाई है और ऊपर से उसके शव को लाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। इसके लिए उन्होंने पंजाब सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी मदद की जाए। अपने बेटे की मौत की खबर सुनते ही अपरंपर सिंह की माँ सहित पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और उसके माता पिता पूरी तरह से टूट चुके हैं। उन्हें सांत्वना देने के लिए रिश्तेदार और परिजन उनके घर पहुंच रहे हैं। फिलहाल शव को भारत लाने के लिए मृतक की कजन बहन सोशल मीडिया पर फंड इकट्ठा कर रही है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। 20-25 लाख रुपए दे विच लग गया, ते उहदे विच काफ़ी पैसा मैं अपने रिश्तेदारों को भी दिता, उन्होंने वापस करने हैं। स्टडी वीजे से गया मेरा बेटा, 2 साल के कोर्स में गया सी, फिर उत्थे अप्रैल के लास्ट में गया से, हूँ 23 जी तरीक लंघी है उदो सू मतलब इस तरह पता लगा कि सवेरे वो मतलब एक्सीडेंट उत्ते हो गया, रेड की स्पॉट डैथ हो गई। वो अपने उत्ते क्लास फैलन में रह रहा थी, वो भी स्टडी कर रहा, उहदे तों सानूं सारी इदां इनफॉर्मेशन मिली गया इदां उत्ते चांस होया। हुण डेड बॉडी दा जो प्रोसीजर हैगा उत्थे उहदी कज़न हैगी है, नाल कुछ होर स्टूडेंट हैगे आ, उह मिल के करा रहे हैगे आ। उह सानूं उत्ते इत्थों असीं पुछिआ ते उही कह रहे कि मतलब बहुत पैसे मतलब लगदे हैगे आ डेड बॉडी नूं लिआउण दे। इत्थे बड़ा सानूं कन्फ्यूजन हैगी है कि मतलब असीं की करिए की नहीं, ये तो हूँ उत्थे जी प्रोसैसिंग चल रही है 1-2 दिन तो उस तो बाद सानू पता लगेगा। फ्रेंड्स जो असं रूम पार्टनर उन्होंने सानू दस्या इस बारे, तो पहले तो उन्होंने मॉम डैड ने इन्फॉर्म किया अपने फ्रेंड्स ने, फिर उसके बाद सानू आकर दस्या, असी सारा कुछ क्लीयर करके फिर आप दस्या कि अगे इदा कोई हो चुका, तो उत्थे से अज बॉडी तो उदा हैंड ओवर करती हुई सिस्टर ने, वो अगे फ्रिज लाती हुई उन्होंने, सो मॉर्निंग दे जो मॉर्निंग होनी उत्थे उन्होंने फिर देख सकते हो
ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਥੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਅਥੋਰਟੀ ਭੇਜ ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਵਰਕਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅੰਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਜਾਊਂਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਵਰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁਣ मशीनी युग के समय को लेकर वैज्ञानिकों की ओर से नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। समय की कमी को देखते हुए किसानों को अब बड़ी सौगात मिली है और जो किसान पहले घंटों समय बर्बाद कर अपनी फसल पर स्प्रे करते थे अब वही स्प्रे ड्रोन के साथ एक किल्ले जमीन में 8 मिनट में ही की जा रही है। नाभा क्षेत्र के गांव गुरदत्तपुरा में किसानों ने खेतों में ड्रोन के साथ स्प्रे कर दिखाई और ड्रोन के साथ स्प्रे करने के बाद किसान काफी खुश दिखाई दिए। किसानों का कहना है कि अब जहां उनका समय बचेगा और वह अब हजारों एकड़ फसल में एक दिन में ही स्प्रे कर अपना काम पूरा कर सकेंगे। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। हाँ, पहले तो ये दसने वाला गल है कि ये जी कंपनी का नाम है सिंजेंटा, ये वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी कंपनी है और इस कंपनी की खासियत है किसानों नाल जुड़ के काम करती है और बड़े अच्छे उत्पाद भी दिंदी है। जिवें जिवें जिमीदार नूं लोड़ पैंदी है उहदे हिसाब नाल कुछ ना कुछ नए उपराले भी करदे हुंदे। उन्हां उपरालों चों अज्ज एक वड्डा उपराला है जिहदा नाम है ड्रोन टैक्नोलॉजी। देखो, पिछले कुछ टाइम तो तुसीं देखदे आ रहे हो कि लेबर दे शॉर्टेज दे इशू बहुत रहन लग गए कंट्री दे विच। स्प्रे दी जिहड़ी एफिकेसी है, रिजल्ट है, वह कितें ना कितें जिमीदार नूं लगता है कि यार इस स्प्रे पूरी तरह काम नहीं कर रही, की रीज़न है। वो पिछे बहुत वड्डा कारण जिहड़ा हैगा वो एक ही है कि जिहड़ी स्प्रे दी जिहड़ी तकनीक है वो ते काम करना बहुत जरूरी सीगा ते कंपनी ने इस वास्ते बहुत वड्डे मतलब बहुत अच्छे पद्धर ते पूरे वर्ल्ड पूरे कंट्री दे विच भारत देश दे विच इस प्रोग्राम नूं शुरू कीता है। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਰੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਭਗ 10 ਕੁ ਡਰੋਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਟਿਆਲੇ, ਸਮਾਣੇ ਅਤੇ ਮੋਗਾ। ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ 2-3 ਅਸੀਂ ਟੈਰੀਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਲੇਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੇਫਟੀ ਪਰਪਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਏਕੜਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਯੂਜ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 5-4 ਦਿਨ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਨਾਭਾ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ। ਹੰਸਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਿਆ ਕੇ ਹੋਸਟਲ ਮੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਿਤ ਮੈਸ ਕਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਸੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਕਰਕਮਲੋ ਸੇ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਹੋਸਟਲ ਮੈਸ ਕਾ ਨਾਮ सरला देवी सूद भोजनालय रखा गया। सूद परिवार की पूजनीय दिवंगत माताजी के नाम पर भोजनालय का नामकरण किया गया। इस अवसर पर हवन यज्ञ भी किया गया। लोकल कमेटी के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस एनके सूद, उनकी धर्मपत्नी अरुणिमा सूद, वाईके सूद, उनकी धर्मपत्नी व राघव सूद भी उपस्थित रहे, जबकि उनकी बहनें व सरला देवी की तीनों सुपुत्रियां सुषमा सूद, सुदर्शन सूद व मनोरमा मायर भी विशेष रूप से मौजूद रहे। उनके साथ लोकल कमेटी के सदस्य सुरेंद्र सेठ, कुंदनलाल अग्रवाल, डॉक्टर सुषमा चावला, रिटायर्ड प्रिंसिपल इंद्रजीत तलवाड़, डॉक्टर पवन गुप्ता, अशोक परूथी, प्रोफेसर सलील उप्पल व उधमपुर रोटरी क्लब के प्रधान श्री डीएन शर्मा भी उपस्थित रहे। प्राचार्य डॉक्टर अजय सरीन ने सभी का स्वागत किया। उन्होंने हॉस्टल मेस का नवनिर्माण व आधुनिकीकरण करवाने के लिए सूद परिवार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि ये नव निर्मित भोजनालय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुमूल्य साबित होगा। इंदर सूद ने ये समारोह यूएस से वर्चुअल तौर पर ज्वाइन किया तथा एचएमवी परिवार को अपनी शुभकामनाएं दी। प्राचार्य डॉक्टर अजय सरीन ने सभी अतिथियों को तुलसी के पौधे भेंट किए। इस अवसर पर सभी डीन, पीआरओ, मेस कमेटी के सदस्य, ऑफिस अधीक्षक व अन्य स्टाफ सदस्य भी उपस्थित रहे। मंच संचालन बॉटनी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अंजना भाटिया ने किया। जलंधर से कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। क्योंकि ये एक मौका है जबकि हम सूद परिवार को आभार व्यक्त करना चाहते हैं, धन्यवाद कहना चाहते हैं उस सारी सहूलतों के लिए जो उन्होंने हमारे रेजिडेंट स्कॉलर्स को आज प्रदान करी है इस मेस को रेनोवेट करके।
वैसे तो हंसराज महिला महाविद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन बेहतर को और बेहतर बनाने का स्कोप हमेशा ही रहता है। हमारे प्रधान आर्य रतन पूनम सूरी जी हमेशा ये कहते हैं दैट बेस्ट फॉर एनी इंस्टीट्यूशन इज़ येट टू कम। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी देर से ये ज़रूरत महसूस करी जा रही थी कि मैस को और बेहतर करा जाए, और बेहतर करा जाए, ऑटोमेटिक करा जाए। और आज मुझे ये कहने में बहुत खुशी महसूस हो रही है कि सूद परिवार के सहयोग के साथ आज हम इस मैस को रेनोवेट कर पाए हैं, ऑटोमेटिक मशीनरी इंस्टॉल कर पाए हैं, ताकि ऑटोमेटिक मशीनों के साथ एक हाइजीनिक मेस का रूप जो है वो बच्चों को दिया जा सके। सूद परिवार का आशीर्वाद हमेशा ही हमारे साथ रहता है। हंसराज महिला महाविद्यालय का डीडी बोर्ड रूम जो है, डीडी सूद बोर्ड रूम जो है, इस बात की गवाही देता है। और आज श्रीमती सरला देवी भोजनालय जो है वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐड हुआ है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सदस्यों ने बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर जीरा अमृतसर रोड पर मक्खू के नजदीक नेशनल हाईवे नंबर 54 को जाम कर दिया। इस संबंध में पत्रकारों को जानकारी देते हुए किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के राज्य नेता रणबीर सिंह राणा ने बीडीपीओ जीरा विनोद जोशी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी ओर से किसी मामले संबंधी बीडीपीओ को मिलने के लिए उनके फोन पर संपर्क किया गया था, लेकिन बीडीपीओ ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और भद्दी शब्दावली का इस्तेमाल किया, जिसके रोष स्वरूप उनकी ओर से नेशनल हाईवे 54 को जाम किया गया है। वहीं इस मौके पर नायब तहसीलदार विनोद कुमार ने माना कि गत दिवस किसान जत्थेबंदी के राज्य नेता और बीडीपीओ के बीच फोन पर हुई बात के दौरान दोनों में बहस हुई थी, जिस कारण ये धरना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा किसान नेताओं को अपनी मांगों संबंधी मांग पत्र देने की बात कही गई है और मांग पत्र के आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਛ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧਰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁਕਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੈਨੂਇਨ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੀਡੀਪੀਓ ਆਪਣਾ ਜੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਣਾ ਰਣਵੀਰ ਹੈ ਠੱਠੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਤੋਂ ਬੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। नाभा ब्लॉक के गांव कला माजरा के गुरविंदर सिंह सिद्धू को गत दिनों पंजाब के सहायक एडवोकेट जनरल के तौर पर नियुक्त किया गया है। उनका नाभा पहुंचने पर जगह जगह स्वागत किया गया। इसी के तहत नाभा क्षेत्र से विधायक गुरदीप सिंह देवमान की ओर से उनका सम्मान कर उन्हें विशेष रूप से बधाई दी गई। इस मौके पर पंजाब के सहायक एडवोकेट जनरल गुरविंदर सिंह सिद्धू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और विधायक गुरदेव सिंह मान का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता मौजूद रहे। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। सहायक एडवोकेट का अहुदा मिलिया जी, पर नाभा विधानसभा पहली बार गल हुई है, यह वड्डी गल है। मैं साडे अरविंद केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी और सारी टीम का मैं धन्यवाद करता जिन्हां दी दुआवां सदका इन्हां बहुत वड्डा मौका मिलिया। परमात्मा कृपा करे यह सरकार दे विच रह के कानूनी तौर ते सरकार दी मदद करन और अच्छे तरीके नाल साडी सरकार जिहड़ी है वह लोगों की सेवा करे। साडी सरकार कानून के मुताबिक काम करने वाली सरकार आ। असी किसी ना कोई रंजिश की भावना नाल जां किसी नाल कोई कोई इस टाइप का काम नहीं कर रहे जिवें पिछलियां सरकारां ने कीता। भारत भूषण आशू उन्हां दे खिलाफ़ बड़े सीरीयस एलीगेशन ने
और वो पुख्ता सबूत ने जिदे करके विजिलेंस ने सॉरी उन्होंने अरैसट किया। और जे खहरा साहब एक गल कहते हैं कि जे तुम सच्ची हो तो सामना करो, मैं कहना बिल्कुल सामना करना चाहिए जी। और जे तुम सच्ची हो तो तुम्हें कुछ नहीं होएगा, जे तुम कोई गलत काम किया तो बचा भी कोई नहीं सकता। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर सरोवर तटवासिनी पर स्थित विश्वमुखी मातृपुरमालिनी के दरबार में साप्ताहिक माता की चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक रवि मंगल एंड पार्टी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह केपी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया, जिन्हें मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल और अन्य सेवादारों ने मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर बलदेव आनंद, राजू शर्मा, पवन मेहता, रमन शर्मा, भूषण कोहली, बिन्नी सबरीना, सुनील शर्मा, सुशील साहनी, दमन मल्होत्रा, इंद्रजीत सिंह राही सहित बड़ी संख्या में मां भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। लेकिन एक बेनती करांगा कि जो भी आओ आइडेंटी कार्ड अपने गले जरूर पा के आओ, क्योंकि सानू भी पहचान रहे कि कौन आदमी आ रहा है। इस करके मेरी हाथ जोड़ के बेनती अपने छोटे वीर दे के कि जो भी अगली बार आना हाँ गले आइडेंटी कार्ड होना चाहिए, बस उस तो अलावा कोई गल नहीं है। पर एक बार फिर मैं सारी संगत में दस देव, अगर तुम घर बैठे ही मां के इस दरबार के सारे प्रोग्राम देखना चाहते हो तो तुम दैनिक सवेरा टीवी का सैटअप बॉक्स अपने केबल ऑपरेटर को कह के लगवाओ, ताकि हिंदुस्तान के सारे धार्मिक तीर्थ स्थान के दर्शन तुम घर बैठे ही लाइव कर सकते हो दैनिक सवेरा टीवी। जलंधर के बसंत एवेन्यू नजदीक अर्बन स्टेट फेज 2 निवासी सुखविंदर कालिया ने पुलिस को दी शिकायत में दर्ज करवाया है कि उसकी फैक्ट्री महक सिनेमा के नजदीक है और सुबह 9:30 बजे रामलीला कमेटी के सदस्य सरविंदर शर्मा ने उसे फोन कर बताया कि उनके कमरे का ताला तोड़कर वहां पड़ा सामान खुर्द-बुर्द किया गया है और उस कमरे में उन्होंने अपना सामान रख लिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उक्त कमरे का प्रयोग उनकी रामलीला नवयुवक मंडल कमेटी करती थी, जिसमें श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री हनुमान जी और सीता माता के श्रृंगार का सामान व अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे, जिन्हें खुर्द बुर्द करके उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। उन्होंने बताया कि सबके पीछे सोडल नगर निवासी संदीप नारंग, अनिल पंडित, रिक्की गुप्ता और स्कूल प्रिंसिपल के अलावा और कई व्यक्तियों का हाथ है, इसलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन से उन्हें न्याय दिलाने की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस जांच अधिकारी ने कहा कि उनके पास कब्जे को लेकर शिकायत आई है, जिसकी जांच की जा रही है, जांच के बाद ही बनती कार्रवाई की जाएगी। जलंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। असी इत्थे अज साडी रामलीला शुरू हो रही है, असी जदों इत्थे आए इत्थे देखिया थापरा बगीची दे विच साडे ना जी इत्थे कमरे सीगे जो जिन्हां दे विच साडा समान है। कुछ शरारती अंसर है जी जिहड़े इत्थे सरकारी जगह ते प्राइवेट स्कूल खोल के बैठे, उन्हां ने की कीता इह कमरियां दे ताले तोड़ के साडा समान खुर्द-बुर्द करता ते साडे धार्मिक ग्रंथां दी होर जिहड़ा साडा समान पिया धार्मिक मूर्तां दी बेअदबी करन दी कोशिश कीती गई। सानूं नहीं पता, पहलां असी सोचदे सी साडे जिहड़े ताले आ डुप्लीकेट चाबियां बनाईआं, पर एक ताला साडा रहिण दित्ता, एक ताला इन्हां ने तोड़ के चेंज कर लिया, वो जिहड़ा ताला हुणे SHO साहब आए असी उन्हां नूं वेरीफाई करा दित्ता
ਅੱਜ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਸਕ ਡੁਸਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਹਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਮੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਹਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਡਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿੰਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਤੋੜੇ ਆ ਸਮਾਨ, ਤਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਕਮਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਬੱਚੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਈ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਬੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ, 2-3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, 1 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲਾਸਟ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਏ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਏ ਆ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਚ ਚੱਕ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦਰ ਪਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਛੇੜਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਔਰ ਅੰਤ ਮੇਂ ਹਲਚਲ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਸੇ। फगवाड़ा जलंधर जीटी रोड पर चंडीगढ़ बाईपास मेहटा के नजदीक एक सड़क हादसे में 2 नौजवानों की हुई मौत, एक आश्रम के थे सेवादार। फगवाड़ा शुगर मिल के सामने आर्मी का एक ट्रक तकनीकी खराबी होने के कारण अनियंत्रित होकर धरना स्थल में घुसा, बाल बाल बचे किसान। फिरोजपुर की जय मां नगर कॉलोनी में एक ही रात में चोरों ने 3 घरों को बनाया निशाना, लाखों रुपयों की नकदी व गहने चोरी कर हुए फरार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।